हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिक का प्रेस्टीज बुक सेट नंबर 6 है। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? दाल सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है भाई? भारत में। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु होता है? धान की खेती के लिए जलवायु कैसा होता है? बिहार में जलवायु होता है बिहार में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुकुल्लम किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांतीय है? तो पाकिस्तान का प्रांतीय कौन था? ऐसर भी हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, कौन सी महिला शासक? रजिया बेगम था। सबसे पहले कौन महिला शासक बना था भारत में? रजिया बेगम बना था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए लोकसभा बनने के लिए? आपका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ग्रुप में जाके आप लोग शामिल हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि क्या होती है? 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक कौन था? तो भारत के राष्ट्रपति था सेना नायक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, लॉन्गलाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अली कहाँ स्थित है? तो आपको आसाम में स्थित है, स्थित है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त बंदसी मंदिर स्थित है कहाँ? सर्वेनगोला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कथा सरी सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुरों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? तो विक्रमादित्य कौन था? स्कंदन गुप्त विक्रमादित्य था। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, सॉरी, 14 नंबर क्वेश्चन है, शाहबहादुर का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन होता है? प्रतिहार, पाल, औरा एवं राष्ट्रकूट होता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनी। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था, 1587 के बीच। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मुहम्मद बिन तुगलक आशिक पागल था? बर्री ने कहा था, मुहम्मद बिन तुगलक आशिक पागल था, बर्री ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुतो देखी पढ़ी उलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोहिन राय, प्यारा तुरक कहे रहीमान। कबीर ने बोला था ये बात, डी नंबर आंसर। अगर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? 1719 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार में पैदा हुए थे, राष्ट्रपति थे सबसे पहला। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? इमारत को किसने बनाया था? आसफुजुद्दौला ने बनाया था, आसफुजुद्दौला ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? रॉर्ड रिपन ने किया था। मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं
स्थित है? कहाँ स्थित है? राजगिरी पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 25, नवशोक के धम्म नीति के प्रचार धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्य में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारिता जाने जाते हैं धम्म महामात्र जाने जाते हैं। तृतीय बहुसंगीति के अध्यक्ष व वीर मुगुल मुगलिपि में स्थित ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था कथा वस्तु था। 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? या राजकुमार शुक्ला ने किया था, चंपारण 1917 में जो किया गया था। ट्रांस साइबेरियम रेल जोड़ी जाती है किससे? मास्को और व्लाडिवोस्टको से, मास्को और व्लाडिवोस्टको से जोड़ी जाती है। लायंस की खाड़ी स्थित है फ्रांस में स्थित है लायंस की खाड़ी। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है किससे संबंधित है? हैती से संबंधित है पोर्ट ऑफ प्रिंस। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है तो ऊर्जा को समाहित करता है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री आसान के पास गिरती है। भारत में प्रथम प्रवर्तक उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था कहाँ हुआ था? 1906 में स्थित हुआ था। 10 डिग्री चैनल मध्य में अंडमान और निकोबार उत्तरी दक्षिणी द्वीपों में स्थित है। 10 डिग्री चैनल कहाँ? अंडमान निकोबार उत्तरी दक्षिण द्वीपों में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? अनु ऊर्जा में स्थित है। अनु ऊर्जा कहाँ संबंधित? अनु ऊर्जा से। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय की सहायता नहीं करती है? तो हसदेव सहायता नहीं करती है। शक्ति शस्त्र संबंधित स्थित है इंदिरा गांधी से। आर्थिक अतः स्तरीय सुविधा कौन नहीं है? आपका रास्ता नहीं है। चोरी चोरा किसके लिए विख्यात है? चोरी चोरा को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए विख्यात है। सफेद क्रांति का अर्थ क्या होता है? डेयरी का सब संघन विकास होता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को? तो आपको आंसर हो जाएगा पहला, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। आपको 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किससे सहयोग की जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है तो भूमि किसानों को मकान ऋण में शामिल नहीं है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? भूमि विकास निम्नलिखित एक अंश है सहकारिया उधार घाटा के लिए। हरित क्रांति का सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है तो इनमें से सभी हो जाएगा। बीजू की उत्पादन पैदा में, पर्यावरण सिंचाई सुविधा में, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकर साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय देती है? आपको कौन सा कर है? निर्गमित कर होता है। निर्गमित कर नहीं हो सकता है आपका, व्यक्तिगत कर नहीं, सीमा शुल्क नहीं हो सकता, उत्पाद शुल्क हो सकता है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकर साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय देती है? तो उत्पाद शुल्क जो होता है वही कर को आय देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व कर नहीं है, केंद्र सरकार का भूमि राजस्व कर नहीं है। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन था? चमड़े का सामान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है तो एक्जिम बैंक के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी कौन की थी? ए ओ हुम के द्वारा ने किया गया था।
अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस में जाना जाता है? स्वाइन फ्लू में जाना जाता है। H1N1 को किस में? स्वाइन फ्लू में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से यही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपको 53 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? टॉक्सिन होते हैं, क्या होते हैं? दवाएं होते हैं एंटीबायोटिक एक प्रकार का। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कीटनाशक एंजाइटिक प्राप्त होता है, एंजाइटिक प्राप्त होता है किससे होता है? नीम से होता है एंजाइटिक प्राप्त। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति का एकदम स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति का स्वामी, स्वामी जी का नाम लीजिएगा, समझिए तो हरित क्रांति। पेड़ पौधा या धान गेहूं का रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बीमारी पर काबू पा लिया था? टीबी पर काबू पा लिया गया था। कौन सा बीमारी पर काबू पा लिया गया था? टीबी पर काबू पा लिया गया था। चेचक के व्यक्ति को सर्वप्रथम तैयार किया गया था? लुईस पाश्चर ने तैयार किया था, नहीं, डॉक्टर जनरल ने चेचक के टीके का खोज किया था। लुईस पाश्चर ने तैयार कौन किया था? जनरल ने किया था। आलू एक क्या है? तना है। जो गोल का सामान जो गोल होता है वो तना में गिनते जाता है। प्याज आलू टमाटर ये सब तना में होता है। या जो लम्बा होता है इसमें मूली शकर मूली हो गया, गाजर हो गया, यह आपको जड़ में आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण DT वायु प्रदूषण नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड SO सल्फर CO है, DDT नहीं है। अगला क्वेश्चन आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे बताते हैं? मेंडल को जाना जाता है आनुवंशिकता के जन्मदाता। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? वाटसन और क्रिक को मिला था। कीट भस्सी किसे कहते हैं? कीट भस्सी आपको कहा जाता है डोसम को कहा जाता है। डोसम एक प्रकार का कीट है, उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन निकोटीन पाया जाता है किसमें? तंबाकू होता है ना, कि तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के बीज जो होता है ना, कॉफ़ी का जो बीज पेड़ का पौधा का जो बीज होता है कॉफ़ी का पौधे का, उसी से कॉफ़ी प्राप्त करते हैं, बीज से ही कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था किसने किया था? तो ओपेरियन ने बोला था, ओपेरियन ने साबित किया था जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, ओपेरियन ने बोला था। अगला क्वेश्चन है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? जल में। सबसे पहली बार जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ था या कैसे हुआ था? जल में हुआ था, शैवाल से। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। डिस्टमेटी रोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो आपका सभी प्रकार का कण मिलता है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आपको बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है पौधे को। किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो आपको चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है? खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही परमाणु आपका प्राकृतिक तत्व में मिलता है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और मजबूत झाड़ से बना होता है। B नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो आपको हेलोफाइट कहते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सवानी है पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो आपको जाइलम टिशू की तरह जाता है, टिशू या जाइलम से जाता है। सवानी पौधे में जो ऊपर पानी चढ़ता है तना तक।
पौधे का कौन सा भाग फूल बनने की उद्दीपन ग्रहण करता है? तो आपको वो पर्ण करता है उद्दीपन। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है, बीज में ही उसका जन्म भ्रूण अंग होता है, जनन अंग, उसी को भ्रूण बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, होता है किस में? होता है क्लोरोप्लास्टर में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्टर में होता है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्राणी का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्राणी का परिवर्तन कौन सा है? 79 नंबर हो गया आपका आंसर हो जाएगा, प्रणाली की अवशोषित स्वपोषी क्रिया में। जीनेटिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक किसका आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है? जीनेटिक्स मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। लैंगिंग जनन से अनुवंशिकता विचरण कैसे होती है? तो आपको उपयुक्त सभी होना चाहिए आंसर। इससे पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको जीन के समीक्षण ब्लेंडिंग क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण में सफेसिक फेसिंग से होता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, 2G इफेक्टर में अच्छा जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जेनरेशन का प्रयोग किया जाता है, जी से 2G में जेनरेशन होता है। चलिए आगे, अब आपका रीजनिंग का मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ पे सेट समाप्त करता हूँ, बिहार से सीधा यूनिक का सेट है। अब मैं अगले वीडियो में 7 नंबर सेट लेके आऊँगा, आप लोग देखिए और शेयर करिए और लाइक और कॉमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।